हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। पाइथन प्रोग्रामिंग में एक कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आखिरकार रेंज लगाने से क्या होता है, रेंज का क्या फंक्शन है, रेंज क्या है और इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो देखिए, रेंज एक प्रकार का फंक्शन है। अब उसको हम डिटेल में देखने के लिए पाइथन की जो ट्रेडिशनल आइडियली है उसको ओपन करते हैं। तो यहां पर ये पाइथन की आइडियली ओपन कर रहा हूं मैं। आइडियली का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यहां से अब फाइल पे जाना है और न्यू फाइल पे जाना है और यहां पर अब हमको काम करना है। यहां पर हमको ये समझना है कि आखिरकार रेंज का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि यहां पर कोई भी आप लूप लगाते हैं। ठीक है, लूप समझते हैं, इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट, या इसी को कभी कभी आप लोग कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो यानी लूप का मतलब क्या हुआ, लूप मींस इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, लूप मींस इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, तो लूप इसी को कहते हैं। और अगर आपके बुक में कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई चैप्टर दिया गया हो तो उसका मतलब लूप ही है। ठीक है, अब चाहे चैप्टर कोई भी हो सकता है कि आप में वीबीए दिया गया हो, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन वाला जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग होती है वो दी गई हो, तो उसमें भी लूप की बात करी जाती है और यहां भी लूप की बात होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं पाइथन पर। तो पाइथन में ये इसको समझेंगे और लूप के अंदर रेंज क्या होता है ये समझेंगे और दोनों ही लूप में जानेंगे। यानी हम डिस्कस करेंगे पहले फॉर लूप के बारे में, फिर व्हाइल लूप के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के भी बारे में इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो पहले तो हम यहाँ पे फॉर लिखते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि आखिरकार फॉर क्या चीज है, फॉर का मतलब क्या है, फॉर है क्या। देखिए, आपने पढ़ा होगा, जैसे बहुत बेसिक क्लासेस मैंने पहले भी कराई है तो उसमें आपने पढ़ा होगा, डेटा टाइप पढ़ा होगा, कीवर्ड्स पढ़ा होगा, ऑपरेटर्स पढ़ा होगा। तो फॉर क्या है, एक प्रकार का कीवर्ड है। तो जब जो 33-34 जो भी कीवर्ड है पाइथन के अंदर उसकी लिस्ट आप देखेंगे तो फॉर भी उसमें नजर आएगा और इसके अलावा आपको वाइल भी देखने को मिल जाएगा इन द लिस्ट ऑफ कीवर्ड। तो फॉर एक कीवर्ड है और यहां पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। नाम से ही स्पष्ट है, एकदम वेरिएबल। तो यहां आई नाम से एक वेरिएबल बना लिया। अब देखिए यहां पर इन लगाएंगे। अब पूछा जाता है कि इन क्या है, तो एक प्रकार का ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। अगर आपने ऑपरेटर पढ़ा है तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं इन, आई एन इन। तो इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब यहां पर इन लिख दिया हमने। अब यहां पर बात आती है रेंज की। ठीक है, आर ए एन जी ई, तो ये लिख दिया रेंज। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। आप जानते हैं कि पहली वैल्यू जो होती है वो स्टार्टिंग होती है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, एंडिंग होती है। तो अगर मान लीजिए स्टार्टिंग हम -10 से करें और एंडिंग हम +10 पे करें, ठीक है, और इसको क्या करें, हम एक एक करके या पांच पांच करके इंक्रीमेंट करवाएं, पांच इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, पांच इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। अब यहां पर रेंज का फंक्शन समझिएगा, लास्ट में कौन सी वैल्यू है, 10 है, 10 है ना। तो 10 में से क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा, तो रेंज लगा हुआ है तो लास्ट -1 हो ही जाएगा। ये 10 जो है -10 जो है स्टार्टिंग वैल्यू और ये +10 जो है एंडिंग वैल्यू और ये स्टेप वैल्यू। ठीक है, तो पांच पांच का स्टेप चलेगा ये। तो पहले -10 है, ठीक है, अब -10 के बाद 10 तक जाना है इसको, ठीक है, और पांच पांच का स्टेप लेना है। अब देखिए इसको यहां पर कॉलन लगाएंगे और एक माइनस होगा। रेंज लगाने का मतलब ये होता है क्या, एक माइनस करना। रेंज एक प्रकार का फंक्शन है जो लास्ट -1 कर देता है। लास्ट आपको समझ में आई गया। अब यहां पे जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है प्रिंट, उसको लिखते हैं और यहां प्रिंट किसको कराना है, आई को, आई को प्रिंट करा दिया। और यहां पर देखिए पहले -10 है, -10 में से 5 माइनस होगा तो -5 हो जाएगा और फिर 5 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा और फिर 5 माइनस होगा तो क्या होगा, अब 0 हो जाएगा तो फिर प्लस होगा ना, 5 प्लस होगा। ठीक है, तो पहले तो 5 प्लस होगा तो क्या होगा, -10 में 5 प्लस होगा तो कितना होगा, -5 हो जाएगा और फिर 5 प्लस होगा तो 0 हो जाएगा और फिर 5 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा। यानी कि यही वैल्यू प्रिंट होगी, +10 तो नहीं प्रिंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। यहां पे F5 करते हैं, इसको एंटर करते हैं, यहां पर इसको सेव करेंगे हम इटरेटिव के नाम से, इटरेटिव के नाम से इसे सेव करते हैं। तो ये लिख दिया इटरेटिव और एंटर कर देते हैं। ठीक है, और एंटर करके जब इसको चलाएंगे तो देखिए -10 आ रहा है,
माने स्टार्टिंग वैल्यू तो आएगी ही आएगी, फिर माइनस फाइव आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है। यानी बहुत क्लियर बात है कि यहां पर ये हो रहा है पांच पांच इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये है आपका रेंज फंक्शन जो लास्ट माइनस वन करता है, यानी लास्ट वाली वैल्यू क्या है, टेन है, और टेन माइनस वन करेगा तो नाइन तक ये चलेगा, माने माइनस टेन से लेकर नाइन तक। पांच पांच का चूंकि इंक्रीमेंट है तो टेन तो प्रिंट ही नहीं हो सकता, प्लस टेन तो प्रिंट होगा नहीं, तो प्लस टेन के पहले जो सर्कल में आ रहा है, जो इसमें आ रही है वैल्यू, वो फाइव तक है। यानी पहली वैल्यू क्या हो गई हमारी, पहली वैल्यू हो गई हमारी माइनस टेन, माइनस टेन तो दिया गया तो माइनस टेन तो प्रिंट ही होगा। दूसरी वैल्यू क्या हो गई, दूसरी वैल्यू हो जाएगी फिर माइनस फाइव, क्योंकि पांच जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, दैट्स वाई माइनस फाइव हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, फिर पांच इंक्रीमेंट होगा तो पांच इंक्रीमेंट होगा तो जीरो हो जाएगा, और फिर पांच इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, प्लस फाइव हो जाएगा। अब अगर पांच इंक्रीमेंट करेंगे तो टेन हो जाएगा, तो टेन तक तो जाना ही नहीं, हमें तो नाइन तक ही जाना है ना, तो बस इतनी ही वैल्यू इसीलिए प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर लूप की बात। अब व्हाइल लूप की बात कर लेते हैं, तो व्हाइल लूप में तो रेंज आता नहीं है, तो इसी चीज को व्हाइल लूप से करते हैं। तो अभी मान लीजिए व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन करना होता है, तो आई में कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे जो भी वैल्यू यहां पर रही हो, जैसे मैं दिखा देता हूं, देखिए यहां पर स्टार्टिंग वैल्यू माइनस टेन थी, तो हम भी यहां पर माइनस टेन ही रखेंगे, यानी स्टार्ट हम माइनस टेन से ही करेंगे। तो आई इज इक्वल टू माइनस टेन, इस बार क्या कर रहा हूं, इस बार मैं लगा रहा हूं व्हाइल लूप, ध्यान दीजिएगा, आई इज इक्वल टू माइनस टेन कर रहा हूं, तो ये माइनस टेन हो गया, एंटर किया, यहां पर एंटर करके नीचे आएंगे तो यहां व्हाइल लूप लगाएंगे। व्हाइल क्या है, व्हाइल भी एक प्रकार का कीवर्ड है, ठीक है, जो 35 कीवर्ड 34 कीवर्ड जो पाइथन में दिए गए हैं उन्हीं में से एक कीवर्ड क्या है, व्हाइल भी है। अब यहां पर आई इज क्या करेंगे, लेस देन करेंगे, तो इसका मतलब दिया है आई इज लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10 कर दिया हमने, और यहां पर लगा दिया कॉलन। अब एंटर करके नीचे आएंगे तो यहां प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, तो आई को प्रिंट करवाएंगे। लेकिन एक मिनट जरा रुकिएगा, यहां पर हमें कितना इंक्रीमेंट करवाना है, तो यहां पर हमें आई प्लस इज इक्वल टू फाइव करवाना है, ठीक है, सेम प्रोग्राम है, यानी जो हमने फॉर लूप से बनाया है वही प्रोग्राम हम व्हाइल लूप से बना के देख रहे हैं। यानी कि अगर आपसे यह कहा जाता है कि यह सेम प्रोग्राम है, देखिए यही सेम प्रोग्राम आप किसकी मदद से बनाइए, व्हाइल लूप की मदद से बनाइए, तो आप आसानी के साथ बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं F5 करता हूं और एंटर करता हूं, तो अब इसको सेव करना होगा, तो किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं, बिल्कुल वही सेम रिजल्ट आपको प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि इंटेंडिंग आपकी गड़बड़ ना हो, ठीक है, आप इधर उधर करेंगे तो इंटेंडिंग हो जाएगी एरर, ठीक है, यानी जिस लाइन के नीचे जो आया है वही लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेम प्रोग्राम को इसकी मदद से बना सकते हैं। आपने देखा कि रेंज का कार्य क्या है, आपने देखा व्हाइल लूप को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने ये भी देखा कि फॉर लूप का प्रोग्राम जो बना है सेम उसी प्रोग्राम को हम व्हाइल लूप से भी कितनी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कॉमेंट बॉक्स ओपन है, वहां आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।